Dear students, today we will study chapter Reflection of Light from class 10th. Please appreciate this presentation has been prepared with all sincerity and to the best of knowledge of students, teachers and volunteers. We welcome words of encouragement and also suggestions for improvement for use in academics or any kind of exams. Please verify and correlate with your course books. For becoming an associate and or for sending contribution in different subjects including storytelling, please get in touch with your brief profile at buskinjoy@gmail.com. सबसे पहले हमारे अंदर हमारे पास इस टॉपिक के अंदर आता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. ठीक है, तो जो बेंडिंग होती है लाइट रेस की, जब वो कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर से पास करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, अब दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास होते हैं कि पैरेलल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, वो तीनों जो होती है सेम प्लेन पे लाई करती है. अगर मेरे पास, ठीक है, जैसे यहाँ मेरे पास यहाँ पे कोई दो मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे एम वन मीडियम मेरे पास यहाँ पे है और यहाँ पास यहाँ पे एम टू मीडियम है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई लाइट की रे इस तरह पड़ेगी, कैसे लाइट की पड़ेगी, यहाँ पे एक मीडियम मेरे पास यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है, यहाँ पे एम वन है, फिर यहाँ पे एम टू है, यहाँ पे एम वन है. तो जब कोई लाइट की रे यहाँ पे आएगी, ऐसे टकराएगी और इस तरह से चली जाएगी, तो यहाँ पे जो ये नॉर्मल होगा, ठीक है, सरफेस के, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, नॉर्मल इस तरह से जाएगा, तो लाइट की रे क्या होगी, अगर रिफ्लेक्ट होती तो ये बनती. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो क्या करेगी, थोड़ी बेंड होकर इस तरफ चली जाएगी. ठीक है, इधर इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं, तो इधर चली जाएगी दूसरी रे और यहाँ से ये आएगी. ठीक है, ये इंसिडेंट रे और ये होगी मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे. तो ये तीनों क्या करेंगी, सेम प्लेन के अंदर लाई करती है. और सेकेंड जो लॉ होता है वो होता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ये क्या होता है कि रेशियो होता है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस का और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो हमेशा कांस्टेंट होता है. यानी कि साइन आई बाई साइन आर जो होगा वो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, साइन आई बाई साइन आर. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक बार समझ लेते हैं कि जब लाइट क्या होती है पास करती है दूसरे मीडियम के अंदर, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है. ठीक है, अब द एक्सटेंट टू विच डायरेक्शन चेंज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब जित एक्सटेंट तक, यानी कितनी लाइट की रे जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, कितनी वो डाइवर्ट हुई है, तो मैं कैसे बोलूँगा उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में समझाऊंगा. अब वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर, किस दोनों मीडियस के अंदर. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखूंगा, टू वन को मैं क्या लिखूंगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू. यानी कि इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू इक्वल्स टू क्या होगा, वी वन बाई वी टू. उसी तरह यहाँ पे दोबारा दिखाया गया है मुझे कि अगर मीडियम वन को मैं एयर मान लूँ, ठीक है, अगर मीडियम वन को एयर मान लूँ, यहाँ पे आने के मेरे पास इस तरह के दो मीडियम डिफाइन थे मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पे था एम वन, ठीक है, और यहाँ मेरे पास क्या था, एम टू था. ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे एयर में मान लूँ कि मेरे पास यहाँ पे एयर है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ मीडियम पर एयर का बन गया, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो यही क्या हो गया, सी बाई वी. ठीक है, यानी इसमें तरह रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, सॉरी ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन. ठीक है, अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंसेज के अंदर, कि स्पेरिकल लेंसेज से किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है. ठीक है, तो लेंस को किस तरह डिफेंड करते हैं, तो लेंस जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने होते हैं. ठीक है, जिनके अंदर दो सरफेस होती हैं, बाउंडेड होती हैं, दो सरफेस बनी होती हैं, जिसमें से या तो क्या होता है, आउट ऑफ विच वन और बोथ आर कैन बी स्पेरिकल, यानी कि दो या एक से ज़्यादा दो या दोनों भी स्पेरिकल हो सकती है. ठीक है, अब जब क्या होता है, दोनों स्फेरिकल सर्फेसिस जब होती हैं आउटवर्ड निकलती हैं तो उनको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, दोनों स्फेरिकल सर्फेसिस जब इनवर्ड की तरफ मुड़ी होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस. ठीक है, अब जो कन्वेक्स लेंस होता है उसमें क्या होता है, लाइट की रे जो होती हैं वो क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं. ठीक है, यानी कि लाइट की रे यहाँ से आ रही होगी, जरा कन्वेक्स लेंस लाइट की आ रही होगी, तो वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, इस तरह से कन्वर्ज करेगी. और उस तरह कनकेव में क्या होगा कि लाइट की रे यहाँ पे आएगी, ठीक है, ऐसे वो क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगी, इस तरह से लाइट की निकलेगी यहाँ से, तो उनको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव को, कन्वेक्स को बोलते हैं क्या,
कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और जो सेंटर होता है स्फेरिकल सरफेस इसका, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको सी से रिप्रेजेंट हम करते हैं, जैसे कि फिगर में भी आपको दिख रहा है हमें। अब कोई भी इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस से, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और वही लाइन क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए कहाँ से, सेंटर ऑफ लेंस से भी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेंटर पॉइंट वो हम क्या बोलते हैं, जो लेंस का सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल लेंस को क्या किससे हम जानते हैं, इस अपर्चर से, यानी कि इसकी कितना ये ऊपर से लेके यहाँ तक इसकी कैसे डिफाइन करेंगे इसको, अगर कि ये जो पार्ट होगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक की इसकी लेंथ होगी लेंस की, उसको क्या बोलेंगे, अपर्चर। अब आता है इमेज फॉर्मेशन लेंस यूजिंग रे डायग्राम्स, ठीक है। क्या होता है, जब भी कोई लाइट की रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या करती है, कन्वेक्स के केस में डाइवर्ज, सॉरी कन्वेक्स के केस में कन्वर्ज कर जाती है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कन्वर्ज कर गई, और कनकेव के लेंस में क्या करती है, डाइवर्ज कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जब भी कोई लाइट की रे फोकस से पास होकर आएगी, तो वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी कन्वेक्स के केस में, और कनकेव के केस में क्या होगा कि जब वो फोकस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है, कोई भी लाइट की रे फोकस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही होगी, तो वो क्या करेगी, यहाँ से पैरेलल बन जाएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, इन केस ऑफ कनकेव लेंस। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो भी कोई लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, वो ऐसे कैसे पास हो जाएगी, इसके अंदर कोई डेविएशन नहीं होगा। अब यहाँ पर दिखाया गया किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है कन्वेक्स लेंस फॉर बेस पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तो लाइट की रे पैरेलल आ रही होंगी, तो वो कन्वर्ज करके फोकस पे एक पॉइंट से इमेज बनाएंगी। जब सेकंड केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या रखा होगा, बियॉन्ड 2f, यानी कि बियॉन्ड 2f यानी कि बियॉन्ड सेंटर, यानी कि सी से रखा होगा, जस्ट पहले रखा होगा, तो क्या होगा उस केस के अंदर, लाइट की रे जो होगी वो क्या कहाँ बनेगी, मेरे पास इस तरह से पास होगी लाइट की रे, यहाँ से एक तो निकलेगी सीधी, ठीक है, तो वो फोकस से पास करेगी, और दूसरी जो निकलेगी यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से उठा ऐसे चली जाएगी। तो ये इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, और इसका नेचर कैसा होगा, ये बनेगी रियल इन्वर्टेड, ठीक है। थर्ड केस में क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट रखा होगा सेंटर के ऊपर, तो उस केस में क्या होगा, रियल इन्वर्टेड उसी साइज़ की, सेम साइज़ की इमेज बनेगी कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही दोबारा से। और फोर्थ केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा बिटवीन एफ एंड 2f, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, इस केस में क्या होगा, रियल इन्वर्टेड और ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है, इमेज का साइज़ बढ़ जाएगा और रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और जिस केस, केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जब रखा होगा फोकस के ऊपर, उस केस में क्या होगा, इमेज कहाँ बनती है, मेरे पास इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, ठीक है। और उस केस में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, फोकस से थोड़ा कम होगा, तो इस केस में क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, ये वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है, कोई यहाँ से देख रहा होगा उसका लगेगा वर्चुअल इमेज, यहाँ पे कोई देख रहा होगा उसका, ठीक है, इस तरह से इमेज को, तो उसको लगेगा कि वर्चुअल इमेज दिखेगी यहाँ से उसको, और बड़ी इमेज दिखेगी। अब इस तरह यहाँ पे दिखाया गया डायग्राम के अंदर किस तरह से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होने पे, या ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने पे इमेज चेंज होती है थी। तो जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट मेरे पास ये रहा, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसी समय क्या होता जा रहा है, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये क्या ऑब्जेक्ट है मेरे पास, थोड़ी इमेज क्या चेंज होती आ रही है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इमेज यहाँ बन रही थी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो इमेज मेरे पास फोकस यहाँ पर कहीं होगा, फोकस यहाँ कहीं होगा, ठीक है, जब इसके अंदर आ गया मान लिया, ठीक है, तो इमेज क्या बन लगी, बड़ी बन लगी, इधर बन लगी, आपने देखा भी ऐसे। तो इस तरह से हमें दिखाया कि कन्वेक्स लेंस के अंदर किस तरह से इमेज फॉर्म होती है। इमेज फॉर्म रहा कनकेव लेंस देख लेते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा, तो क्या इमेज बनेगी, फोकस के ऊपर एक वर्चुअल इमेज बनेगी पॉइंट साइज, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, कर्वी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो उस केस में क्या अभी क्या होगा, मेरे पास एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है, और किसके और किसके बीच के अंदर, ओ और एफ के बीच में, वो यहाँ पे दिखाया गया किस तरह कनकेव लेंस वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होती है, भले ही ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, ऑब्जेक्ट मूव करता जा रहा है, लेकिन जो इमेज है यहाँ पे, ठीक है, ये जो इमेज है आई, ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही बन रही है, ठीक है।
अब देख सकते हैं यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है पूरा ये। अब हम आते हैं साइन कन्वेंशन स्फेरिकल लेंसेज के ऊपर। तो इसका साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर जैसे ही होता है ऑलमोस्ट। तो उसमें क्या होता है कि साइड डिस्टेंसेस को जो लेफ्ट की तरफ लेंगे उनको हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट की ये मानते हैं, ठीक है। हाइट को ऊपर पॉजिटिव मानते हैं, नीचे नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है, और इस डायरेक्शन को मानेंगे नेगेटिव, ठीक है। ये डायरेक्शन पास होगी पॉजिटिव, ये डायरेक्शन होगी नेगेटिव। और लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन एक बार देख लेते हैं। तो लेंस फार्मूला किस तरह से गिवन होता है कि 1/f = 1/v - 1/u। इसमें से f क्या है, फोकल लेंथ। v क्या है, जहाँ पे मेरे पास इमेज बन रही है उसका डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से। और u क्या, मेरे पास जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उसका डिस्टेंस कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। और जो रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज का टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। तो लेंस के केसेस में क्या होता है, वी अपॉन यू। लेंस के केस में होता है क्या होता है, वी अपॉन यू। अब पावर ऑफ लेंस देख लेते हैं एक बार। तो जिस डिग्री से कन्वर्ज या डाइवर्ज किया है लाइट की रेस को, ठीक है, लेंस कोई भी लेंस है, तो उसको हम किस टर्म्स में डिफाइन करते हैं, पावर के टर्म्स में, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/p, ऐसा यूनिट पावर की होती है डायरेक्टर, ठीक है। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टर को। तो पावर ऑफ कन्केव लेंस होती है वो नेगेटिव होती है, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस जो होती है वो होती है पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिखाया गया आपको कि इसको क्या बोलेंगे, p = 1/f। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज यहाँ बन रही, तो इस तरह से फोकल डिस्टेंस ये रहा एक्स ओ, फोकस डिस्टेंस, फोकल सॉरी फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इनटू इमेज की डिस्टेंस फोकस से, ठीक है, इस तरफ। तो और f का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला बनता है, मेरे पास ये वाला न्यूटोनियन फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब प्रैक्टिस के एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो इन ऑप्टिक्स एंड ऑब्जेक्ट विच हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकल डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें पता है क्या ये क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर। अगर मेरे पास दो मीडियम होते हैं, जैसे कि ठीक है, एक M1 है मेरे पास यहाँ पे और M2 मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, इसके अंदर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, इसके अंदर 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है। जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर। अब ऑप्टिकल फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स ड्यू टू, तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, वो ऐसा होता है कि एटमॉस्फेयर से मेरे पास ये अर्थ है, ठीक है, उस पर एटमॉस्फेयर की लेयर है, यहाँ पे मेरे पास पूरी एटमॉस्फेयर की लेयर है। तो क्या होता है, जब लाइट किरण यहाँ से आई, ठीक है, तो थोड़ी सी इस पर नॉर्मल करके थोड़ी हल्की सी रिफ्रैक्ट होती 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 आती है, रिफ्रैक्ट होती होती यहाँ पास इस तरह से पहुँचती है, ठीक है। इस पर हर जगह एक एक जगह नॉर्मल से बने होते हैं, क्योंकि अलग अलग लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। तो जब हमारे पास यहाँ तक लाइट की रे पहुँचती तो हमें क्या लगता है, वो ट्विंकल होता है, वो स्टार हमें दिखता है, स्टार से यहाँ से अगर लाइट की रे निकल रही हो तो, ठीक है। तो इस तरह से हमें ट्विंकलिंग के दिखती है, तो ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन की वजह से। अब अगला क्वेश्चन आता है कि कन्वेक्स लेंस फोकस अ रियल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टेस्ट। तो ये कहाँ पर रखा होगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस टेस्ट इन्फिनिटी, हमने भी देखा था ये वाला केस, ठीक है। द यूनिट ऑफ पावर इज डायरेक्टर, ये देख चुके हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 20 cm, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, ठीक है, कितनी होगी। तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला, उसमें रिलेशन क्या होता है, 2f, ठीक है। अगर यह फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो मुझे क्या गिवन है, ये मुझे गिवन है 20 cm, ठीक है। तो f की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 20/2, ठीक है, यानी कि 10 cm। Thank you.